नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी। रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है त इहे लगी खबर कैसन लागल, ई सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी। आज जे पांच खबर के बारे में रउआ के जानकारी दिहल जाए, उनुकरा में पहला खबर बा पवन सिंह के लेके, हो सकेला कि पवन सिंह पे बीजेपी के तरफ से कोई कड़ा कदम उठावल जाए। दूसर का खबर बा कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल के मुलाकात के लेके, आजू कन्हैया कुमार सुनीता से मुलाकात कई लें और ई मुलाकात के कई तरह से देखल जा रहल बा। तीसरा खबर बा दिल्ली और नोएडा के, यहाँ एक साथे कईगो स्कूल में बम के खबर मिलल, एकरा बारे में विस्तार से बतावल जाए। चौथा खबर बा सलमान खान के घर के बाहर एक गोली चलावे वाले आरोपी के बारे में जे खुदकुशी कर लिहले। पांचवा खबर बा गर्मी के लेके, काहे से बिहार और झारखंड गर्मी से बहुते बेहाल बा। चली तो शुरुआत पहलू का खबर से कईल जाए, भोजपुरी के नेता बनल पवन सिंह के बारे में ई खबर बा। असल में अब पवन सिंह के लेके बहुत बयान निकल रहल बा, आ लागत बा कि पवन सिंह के समस्या बढ़ सकेला। भोजपुर जिला के आरा सीट से भाजपा उम्मीदवार आ केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लेखे ईगो बड़ बयान देले बाड़े। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह पवन सिंह के भाजपा से निकाले के बात कहले, उ कहले कि यदि पवन सिंह काराकट से चुनाव लड़तारे तो बीजेपी के नेता लोग से मांग करी है कि पवन सिंह के पार्टी से निकाल दिहल जाए। पवन सिंह पार्टी से निकाले के बात कह के राजनीतिक माहौल गरम कर देले बाड़े। उ कहले कि यदि पवन सिंह काराकट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़तारे तो उ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, अवुरी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से उनुका के पार्टी से निकाले के बात करी है। दूसर ओर सवाल उठता कि का पवन सिंह के मन बदलता। बिहार में इस सवाल तब उठे लागल जब पवन सिंह मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ाई कैले। पवन सिंह जनता से इहो कहले कि चुनाव में उ बटन दबावल जाए जवन की आपके भविष्य के रक्षा कर सकता। रोहतास में ईगो कार्यक्रम में पवन सिंह कहले कि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास करता रे, स्थानीय स्तर पर विकास के काम में सहयोग कैल अवुरी ओ लोग के प्रयास के आगे बढ़ावल हमनी के सबके जिम्मेदारी बा। उ कहले कि देश के विकास सबके प्रयास से होई, एह से सबके आगे बढ़े के चाही, आ आपन जिम्मेदारी निभावे के चाही। काराकट में पवन सिंह के आवे के बाद से मुकाबला त्रिकोणीय हो गईल बा। यहाँ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, अवुरी इंडिया अलायंस से राजा राम सिंह मैदान में बाड़े। दिल्ली में कांग्रेस के भीतर बवाल मचल बा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद दिल्ली कांग्रेस में नेता लोग के इस्तीफा के कतार लागल बा। इहो दावा कईल जाता कि दिल्ली में कांग्रेस जवना तरह से लोकसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवार के उतारे हवें, एकरा लेके कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच आक्रोश बा। अवुरी यही से कांग्रेस के बहुत नेता इस्तीफा दे रहल बाड़े। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, मुख्य रूप से कन्हैया कुमार, अवुरी उदित राज के संबंध में नाराजगी दिखले बाड़े। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में ओह लोग के तरफ से प्रदर्शन भील रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से कहल जा रहल बा कि दिल्ली में बाहर के उम्मीदवार के जगह स्थानीय उम्मीदवार के मौका दिहल जाए। कुछ कार्यकर्ता कन्हैया आ उदित राज के समर्थन में लुकत बाड़े। एह सबके बीच कन्हैया कुमार अब दिल्ली में सुनीता केजरीवाल से भेंट कैले बाड़े। कांग्रेस आ आप पार्टी खातिर ई दोनों नेता के मुलाकात महत्वपूर्ण मानल जात बा। कन्हैया कुमार ऐसन का मौका पर सुनीता केजरीवाल से भेंट कैले बाड़न जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाला के मामला में तिहार में ईडी रिमांड पर बाड़न, जबकि पूरा देश में लोकसभा चुनाव के लेके बहुत चर्चा बा। 7 चरण में होखे वाला 2 चरण के चुनाव पूरा हो गईल बा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली के पूर्वोत्तर सीट से कन्हैया कुमार के आपन उम्मीदवार बना दिहले ब्या। ऐसना में कांग्रेस आप गठबंधन के मजबूत करे खाती ए भेंट के खास मानल जाता। अवुरी एकरा से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तारीफ कैले रहले। आजू सवेरे दिल्ली NCR के 80 से ज्यादा स्कूलन आ ओह में पढ़े वाला हजारन लीकन का साथे साथ
ओह लोग के अभिभावकन आतंक से भरल रहे। एह स्कूलन के एके साथे एके जिसन ईमेल मिलल, जवना में स्कूलन पर बमबारी, अहिंसा, हंगामा मचावे के धमकी दिहल गईल। बच्चा लोगन के अभिभावक दहशत में स्कूलन के फोन करे लगले। दिल्ली NCR में बुध का दिने सवेरे हंगामा मच गईल। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मयूर विहार इलाका में स्थित मदर मैरी स्कूल, द्वारका में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल, वसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल, साकेत में MET स्कूल, अवूरी नोएडा सेक्टर 30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ है दर्जनों स्कूल के ईमेल के माध्यम से धमकी मिलल बा कि उन्हों का परिसर में बम लगावल गईल बा। ओकराबाद से पुलिस स्कूल में तलाशी अभियान चलावले। दोपहरिया तक पूरा राजधानी कुछ अप्रिय के डर से कांपत रहल। दिल्ली पुलिस साफ का देले ब्या कि ई धमकी देवे वाला ईमेल फर्जी रहे, अवूरी केहू के डेराए के जरूरत नहीं खे। लेकिन UP पुलिस के साइबर क्राइम विभाग अपना शुरुआती जांच के बाद एगो बड़ खुलासा कैले बा। उन्हों का मुताबिक धमकी देवे वाला ईमेल मास्को में स्थित एगो सर्वर से भेजल गईल बा। जांचकर्ता एह मामला में औरी कवनो प्रगति नहीं खे कर पवले, काहे कि प्रॉक्सी सर्वर के इस्तेमाल भेल होखी। माने कि भले ही ऊ सर्वर मास्को में होखे, लेकिन एकर इस्तेमाल दुनिया के कवनो कोना से ईमेल भेजे खातिर किल जा सकत रहे। ई टीम इहो दावा किल जाला कि जवना तरह से चुनल टॉप स्कूलन में एक साथ ईमेल भेजल जात रहे, लागत बा कि एकरा पीछे के लोग के जगह के भौगोलिक जानकारी बढ़िया बा। एह दौरान करीब 3 से 4 घंटा तक डर अवूरी अराजकता के माहौल बनल रहे। दिल्ली फायर सर्विस के दोपहरिया 12 बजे तक अलग अलग स्कूल से कम 97 फोन आयल रहे। पुलिस बम निपटान दस्ता अवूरी फायर सर्विस के जाँच के बाद कवनो आपत्तिजनक बात ना मिलल। लोग से अपील कईल गईल कि वो लोग डेराए मत। सलमान खान के घरे फायरिंग केस में ईगो नया अपडेट आयल बा। पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी में से ईगो आरोपी अनुज थापन आत्महत्या करे के कोशिश कईले रहे। एकरा बाद उनुका के अस्पताल पहुंचावल गईल, जहां उनुकर मौत हो गईल। फायरिंग करे वाला आरोपी के हथियार सप्लाई करे के आरोप में अनुज थापन के पुलिस गिरफ्तार कर लेलस। अनुज जब आत्महत्या करे के कोशिश कईले तो वो पुलिस हिरासत में रहले। एक हफ्ता पहले पुलिस कार्रवाई का पंजाब के 2 आरोपी के गिरफ्तार कर लेलस। अहमे 37 बरीस के सोनू सुभाष चंद्र आ 32 बरीस के अनुज थापन शामिल रहले। जानकारी के मुताबिक अनुज लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के संपर्क में रहले। वो ट्रक हेल्पर के काम करेले। मुंबई क्राइम ब्रांच सूरत के तापी नदी से पिस्तौल आ कुछ जिंदा कारतूस बरामद कीले रहुवे। शाखा के दावा बा कि ई उहे हथियार रहे जवना के इस्तेमाल 14 अप्रैल के सलमान खान के घर पर गोलीबारी में भइल रहे। पुलिस के मुताबिक ई हथियार अनुज अवूरी सुभाष की ओर से सप्लाई कईल गईल। दरअसल 14 अप्रैल के सवेरे 4:52 पर बाइक सवार दुगो शूटर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पी 5 राउंड फायर कईले रहले। लेकिन एक गोली सलमान के घर के दीवार से टकरा गईल, जबकि एक गोली ओहिजा लगावल जाल के छेद के सलमान के घर के भीतरी ड्राइंग रूम के दीवार से टकरा गईल। एकरा बाद आरोपी ईगो चर्च के नजदीक आपन बाइक छोड़ के भाग गईल रहले। उत्तर भारत के कई राज्यन में एह घड़ी बहुते गर्मी हो रहल बा, जवना के चलते कई राज्य में स्कूल के समय में बदलाव भइल बा। साथ ही कई जगह स्कूल बंद करे के निर्देश दिहल गईल बा। यही बीच झारखंड में कक्षा 8 तक के सब स्कूल बंद करे के आदेश जारी कर दिहल गईल बा। बिहार अवूरी झारखंड में बेहद गर्मी बा। बिहार के मौसम विभाग गर्मी के लेके 2 मई तक अलर्ट जारी कईले बा। अवूरी 5 जिला में रेड अलर्ट, अवूरी 17 जिला में येलो अलर्ट जारी कईले बा। मौसम विभाग लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, पूर्णिया आ मधेपुरा में रेड अलर्ट जारी कईले बा। सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, बांका, कटिहार, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना समेत कई जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिहल गईल बा। कई जिला में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा के अलर्ट बा। अगला 3 से 4 दिन तक तापमान में कवनो खास बदलाव के संभावना नहीं खे। मौसम विभाग जनता से गर्मी से बचावे के गुहार लगवले बा। बिहार में गर्मी के देखत स्वास्थ्य विभाग पूरा तरह से सतर्क बा। एह साल हीट स्ट्रोक के घटना बढ़े के उम्मीद बा। बांका में भयंकर गर्मी के लहर लागल बा। एकरा लेके जिला प्रशासन सतर्क हो गईल बा।
पिछला कुछ दिन से बांका के तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच बा। जवना के चलते आम जीवन प्रभावित होखेला। जवन की पिछला साल से 6 डिग्री अधिका बा। तपल गर्मी के खिलाफ कार्रवाई करत जिला प्रशासन आज से सरकारी अवरी निजी स्कूल आंगनबाड़ी अवरी मनरेगा के कार्यकर्ता के काम के समय में बदलाव कैले बिया। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई। काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। एह गर्मी में आपन बढ़िया से देखभाल करी।